अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शब मेराज के मौके पर मीठा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मीठा चावल बनाने के लिए बासमती राइस ली हूँ, एक गिलास ली हूँ, यानी 250 ग्राम चावल है ये, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी। यहाँ पर मैंने इलायची चार ली हूँ और लौंग है दो, और बादाम को ऐसे मैंने कट करके ली हूँ, ये 10 बादाम है। किशमिश है मैंने यहाँ पर 10 किशमिश ली हूँ, और यहाँ पर मैंने काजू ली हूँ 10 ली हूँ, इसको कट करके ली। शक्कर ली हूँ मैंने 100 ग्राम है ये, एक कप ली हूँ मैंने, और यहाँ पर मैंने दाल डाली हूँ 50 ग्राम। यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर मावा ली हूँ खोया, और आधा कप दूध ली हूँ, और येलो कलर ली हूँ मैंने यहाँ पर, और आधा चम्मच नमक ली हूँ। कढ़ाई ली हूँ और इसमें पानी ऐड करी हूँ, 3 गिलास पानी, ये वाला 1 गिलास मैंने ऐड की हूँ 3 गिलास। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने कलर ली हूँ, ये भी ऐड करूँगी इसके अंदर, साथ साथ नमक भी ऐड करेंगे। इसको बॉयल आने देंगे, फिर चावल ऐड करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। और मैंने चावल सब ऐड की हूँ, इसको अच्छे से पका के लेना है। अच्छे पक जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। चावल अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं आप, अच्छे से पक चुका है ये चावल। इसका एक्स्ट्रा पानी है, मैं निकाल के लूँगी, 10 मिनट लगे मुझको इसको पकाने में। गैस बंद करूँगी और इसका पानी पूरा निकाल के लूँगी, निथार के अच्छे से लेना है। वही बर्तन ली हूँ और गैस धीमी आंच रखी हूँ, इसमें घी ऐड करेंगे, घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी 1 चम्मच मैंने ऐड किया, इसके अंदर अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें बादाम और काजू को अच्छे से भून लेना है, हल्के से फ्राई करके लेंगे इसको अच्छे से। ये फ्राई किए ले अच्छे लगते हैं इसके अंदर। आज तक वीडियो देखते तो लाइक करो, अच्छा लगता है मुझको। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, अच्छे से कलर आ गया है। इसको मैं निकाल के ले रही हूँ। वही घी में मैं इलायची और लौंग ऐड करूँगी, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। इसमें किशमिश भी ऐड करेंगे साथ साथ। किशमिश भी मैंने इसमें ऐड किए साथ साथ, ऊपर चावल ऐड करेंगे। मैंने कंडी में निखारने के लिए लक्ष्य रखी थी। हल्के हल्के इसको मिक्स करके लेना है। चावल को ऐड करेंगे इसमें, साथ साथ थोड़ी सी इसमें शक्कर ऐड करेंगे। आंच को मैंने धीमी रखी हूँ, मावा भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ली हूँ कुकर से। चावल को सब पूरे चावल ऐड करेंगे। साथ साथ बची हुई शक्कर भी इसमें ऊपर से ऐड करेंगे, ताकि अच्छे से चावल में मेल्ट हो जाए। मावा भी ऐड करेंगे थोड़ा सा।
थोड़े से काजू भी ऊपर से डालेंगे, थोड़े से गार्निश के लिए रखूंगी मैं इसको। धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए सही ढक के रखेंगे। शक्कर ऐड की हूँ, साथ में मैं दूध बताना भूल गई, ऊपर से दूध भी डालेंगे इसके, और इसको 2-3 मिनट ऐसे ही दम पे रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के से। देख सकते हैं पानी, शक्कर ने पानी छोड़ दिए है, और हमने दूध भी ऐड किया था इसके अंदर। शक्कर को अच्छे से इसमें मिक्स करके लेंगे हल्के हाथों की मदद से, और इसको 6-7 मिनट और इसको दम पे रखेंगे। अब सात मिनट हो चुके, जैसे पक चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मैंने 1 चम्मच और ऊपर से घी ऐड की थी, देख सकते हैं अच्छा छोटा छोटा हो गया है। मैं अभी सर्व करती हूँ, पर मैंने जल्दा सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।